तो मेरे पास आजकल बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, इसलिए मैंने दो बॉडीगार्ड रख लिए हैं। ओ बॉडीगार्ड्स, हेलो बोलो। दफा दे यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। एवं है, मुझे नहीं चाहिए बॉडीगार्ड। तो वैसे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप जो फोटोज देख सकते हैं, ये वाली फोटो और ये वाली फोटो, ये सारी फोटोज मैंने अपने फोन से कैसे क्लिक करी भाई। वीडियो देखते रहिए, सब बताएंगे आपको। बाहर वैसे बारिश हो रही है, वाई तो नहीं आ रही बारिश, मौसम सही हो रखा है, लेकिन मैं तो भाई बिना पंखे के बैठा हूँ। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल, बहुत बहुत स्वागत हमारी नई वीडियो में। तो कल ना मैं इंस्टाग्राम चला रहा था और वहां पर ना मुझे एक वीडियो शो हुई रील्स के अंदर ना, और फोन के अंदर ही ना बंदर ने क्या कमाल की फोटो क्लिक करी। तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो काफी लोग नीचे पूछ रहे थे भी कौन सी ऐप है, ये कैसे होता है, ये ऑप्शंस मैं कैसे लेकर आऊं। और एक बंदे ने लिखा था ये हो ही नहीं सकता फोन के अंदर, और मेरा भी बंदा ट्राई करने का, तो इसलिए मैंने भी ये चीज ट्राई करी, वहां से इंस्पायर होके और मैंने अपने यही वाले फोन के अंदर ट्राई करा था, Redmi Note 8 के अंदर ही। एंड गाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है, बहुत ही सही शॉट्स आते हैं, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था यार सच्ची में फोन में ऐसी चीजें आ सकती हैं। एंड अभी मैं आपको आसान से तरीके से समझा दूंगा, फिर आप भी ट्राई करना और अच्छी अच्छी बड़ी बढ़िया सी फोटोज को क्लिक करना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे एंड हम स्टार्ट कर दे अपनी वीडियो को। तो गैस ऐसी अमेजिंग प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने के लिए हमें चाहिए चार चीजें। सबसे पहला, एक ऐसा एंड्रॉयड फोन जिसके अंदर प्रो मोड हो, और प्रो मोड के अंदर भी ये ऑप्शंस हो सारी जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। वैसे ये ऑप्शंस काफी सारे फोन्स में आ रही हैं, सैमसंग में नहीं होती और एप्पल में नहीं होती, बाकी तो काफी सारे फोन्स में ये ऑप्शंस होती हैं प्रो मोड के अंदर। एंड दूसरे नंबर हमें चाहिए एक ऐसा फोन जिसके अंदर थोड़ी सी स्पेस हो ताकि हम एक प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकें, बस। तीसरे नंबर पे हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके हमने फोटो क्लिक करनी है, लेकिन वो प्रोडक्ट के ऊपर ब्लैक और गोल्डन कलर का मिक्सचर हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे वो वीडियो में उन्होंने फॉग का डियो यूज करा था, मैंने अपना हेयर स्प्रे यूज करा, एंड हमारे घर में एक चाय पत्ती भी पड़ी हुई थी, वो भी ऐसे कलर की है। एंड चौथे नंबर पर हमें चाहिए एक ट्राईपॉड। हाँ, ट्राईपॉड अगर ना भी हो तो भी चल सकता है मुझे लगता है, लेकिन अगर हो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो हमारी ये चारों चीजें तैयार है, एंड अभी सबसे जरूरी स्टेप आता है कि प्रो मोड के अंदर सेटिंग्स कैसे करें। फोन का कैमरा ऑन करें और वहां से प्रो मोड को चूज कर लें। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रही है व्हाइट बैलेंस की, तो गाइस इसकी वैल्यू हम रखेंगे 2500 से 3000 के बीच में। पहले मैंने वैल्यू को 3000 से ऊपर रखे भी ट्राई करा था, इससे ना फोटो ज्यादा येलो ऑरेंज सी हो रही थी, इसलिए इसको मैंने फिर कम रखे ट्राई करा। तो व्हाइट बैलेंस की वैल्यू को हम रखेंगे 2500 से 3000 के बीच में। सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रही फोकस की, तो फोकस को पहले मैंने ट्राई करा था मैनुअली खुद फोकस को एडजस्ट करके, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं आया, इसलिए फोकस को मैंने रख दिया ऑटो कि फोन खुद से एडजस्ट कर ले भी कहां पर फोकस करना है। एंड ऊपर से स्वाइप करके एक फोकस की ऑप्शन आती है, उसको भी मैंने ऑन कर लिया था। मैंने टाइमर भी ऑन कर दिया ताकि जब मैं फोटो को क्लिक करूं तो फोन हिले ना, मतलब टाइमर लग जाए, उसके बाद आराम से फोटो क्लिक करे फोन अपने आप। चलो जी, व्हाइट बैलेंस एडजस्ट हो गया हमारा, फोकस हमारा एडजस्ट हो गया, दो चीजें होंगी। तीसरी चीज हमारी आती सबसे इंपॉर्टेंट जो है शटर स्पीड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर तीन वैल्यूज मुझे अच्छी लगी थी, 1/60, 1/30 और 1/15। एंड जो तीनों में से सबसे बढ़िया लगी वो थी 1/30, तो आप इन तीनों में से ट्राई जरूर करना, 1/60, 1/30 एंड 1/15। मेरा 1/30 पे मैंने ज्यादा फोटोज क्लिक करी हैं, बहुत ही बढ़िया आई हैं। एंड इसके बाद ऑप्शन आती है ISO, तो ISO को मैंने रखा 100। अगर मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा इसको तो दाने दाने से आ जाएंगे, लाइट भी ज्यादा ही ऐसी आ जाएगी, तो इतनी जरूरत नहीं है, इसको हम 100 पे रख रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन है EV की, जो मेरी डिसेबल्ड है, इसको मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। रियलमी की जो मैंने वीडियो देखी थी, वो रियलमी का फोन था, उसके अंदर एडजस्ट हो रही थी, वो बंदा कर रहा था शायद कुछ और चक्कर हो, पता नहीं। तो मेन ये शुरू वाली बस चार ही सेटिंग्स थी। एंड गाइस यहाँ पर कमरे की लाइट बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अंधेरे वाली जगह में करेंगे। साइड पे मैंने अपना दरवाजा ओपन रखा हुआ था, तो ये दरवाजा है, ये मैं हूँ, पर यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है। अब जो हमने दूसरा फोन रखा था, इसके अंदर एक ऐप को इंस्टॉल करना था, और गाइस वो ऐप का नाम है, नाम क्या है मैं खुद भूल गया हूँ, हाँ येलो लाइट। तो वो फोन के अंदर हमें एक ऐप चाहिए येलो लाइट, प्ले स्टोर के अंदर से आपको सिंपल सी छोटी सी ऐप है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे एंड फोन की ना ब्राइटनेस भी पूरी बढ़ा देंगे हम। अब क्या करना है, अब ये वाले फोन से ना ऐसे ऐसे करके मतलब एंगल बना के देखना भी कहाँ से लाइट बढ़िया आ रही है। तो इस फोन की लाइट को ना अलग अलग एंगल से एडजस्ट करा मैंने एंड फोटोज को क्लिक कर दिया।
फोटो की डिटेलिंग भी बहुत ही बढ़िया आई है, क्योंकि मैंने फोन में ना 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन भी ऑन कर दी थी मैंने। तो गाइस आप भी ये चीज़ें जरूर ट्राई करें एंड बताएं फिर कैसी लगी आपको ये चीज़ें। एंड वो बंदे का भी बहुत बहुत थैंक्स जिसने वो वीडियो इंस्टाग्राम की रील्स पर डाली है, एंड हमें भी सबको इंस्पायर करा है कि हम भी ऐसी चीज़ें करें। मैं वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी ने वो वाली वीडियो भी देखनी है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं यार। एंड वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी मिलते हैं आप अगली वीडियो में।